हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइफ विथ रेनू। तो आज मैं गोभी से बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो सभी को पसंद आने वाला है, और वो है क्रिस्पी चिली गोभी, जिसके लिए मैंने एक गोभी लिया है और साथ में लिया है एक शिमला मिर्च, दो प्याज, थोड़ा सा अदरक, चार हरी मिर्च, एक लहसुन और एक स्प्रिंग अनियन। तो सबसे पहले मैं गोभी के सारे फ्लोरेट्स को कट कर लूँगी। मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, इससे अच्छा बनेगा चिली गोभी। तो ये देखिए, सारे फ्लोरेट्स को मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसे गर्म पानी में नमक के साथ डिप करूँगी करीब 5 मिनट तक। इससे गोभी हमारा अच्छे से साफ हो जाएगा। तो जब तक हमारा गोभी गर्म पानी में डिप है, तब तक मैं सब्जियों को कट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को कट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं एक शिमला मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा रहने दिया है, क्योंकि इतने सारे गोभी के लिए इतना शिमला मिर्च काफ़ी है। प्याज को भी मैं 2 पीसेस में कट करके इसके सारे जो सेल हैं उसे अलग कर दूंगी। हमें बारीक चॉप नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। हरी मिर्च को भी पतले पतले पीसेस में कट कर दूंगी। ये देखिए, स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे भी कट करके यूज करूंगी, और ग्रीन पार्ट को बारीक चॉप कर लेती हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब मैं गोभी को ठंडे पानी से धोकर देखिए स्ट्रेन कर लिया है। तो अब मैं इन सारे फ्लोरेट्स को एक बर्तन में डालूंगी और इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, इससे कलर बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। और साथ में डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा। कॉर्नफ्लावर और मैदा हमें इक्वल डालना है। मैं एक गोभी लिया है उसके अनुसार मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर और मैदा, और साथ में मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, और इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी, जिससे हमारा गोभी है जो अच्छे से कोट हो जाएगा मसालों में। मैंने अलग से घोल नहीं बनाया है फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट गोभी में ही सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए, हमारा गोभी है जो अच्छे से कोट हो गया है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डाला है रिफाइंड ऑयल। तो ऑयल गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें गोभी डालकर फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को स्टार्ट में हाई रखें और बाद में मीडियम, इससे गोभी है जो अच्छे से फ्राई होगा क्रिस्पी। हाई फ्लेम पे करने से होगा क्या कि ऊपर से फ्राई हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रहेगा, और इसे टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो फ्राई करने में थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। और बाकी का गोभी है वो भी सेम प्रोसेस से ही फ्राई कर लूंगी। तो गोभी का एक ही जैसा सब्जी खाते खाते बोर हो गए हैं, तो इस तरह से जरूर ट्राई करें आप। इसे रोटी या पराठा या ऐसे ही खा सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो ये भी हो गया है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा सारा गोभी फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है, लग रहा है कि ऐसे ही खा ले। तो जो एक्सेस ऑयल है उसे मैं निकाल लूँगी और 2 चम्मच के करीब ऑयल रहने दूँगी। ये देखिए, तो कढ़ाई तो ऑलरेडी गर्म है, तो सबसे पहले मैं इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डालूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करना है, इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। तो अदरक लहसुन अच्छा से फ्राई हो गया, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई सब्जियां, प्याज और शिमला मिर्च। स्प्रिंग अनियन को रहने दूंगी फ्रेंड्स गार्निशिंग के लिए।
हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है। सब्जियों को कलर को मेंटेन रखना है, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून गोलकी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ में डालूँगी अब मैं सॉस। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, अगर हो तो डालें, नहीं तो ऐसे ही बनाएं। और साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच टोमेटो सॉस, और 1.5 ढक्कन डालूँगी विनेगर इसमें, और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में डालूँगी थोड़ा सा पानी, नमक थोड़ा ध्यान से डालें फ्रेंड्स, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। तो अब मैं इसमें कर दूंगी ऐड फ्राइड गोभी, और अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे, हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 1 मिनट के करीब। तो हमारा चिली गोभी रेडी है, क्रिस्पी चिली गोभी, और ऊपर से डाल रही हूँ कटा हुआ स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी चिली गोभी रेडी है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब न्यू वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।